हेलो फ्रेंड्स, संदीप ऑटो वर्ल्ड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है इनोवा और इसका क्लच प्लेट वगैरह चेंज किया था, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये गाड़ी है इनोवा, इसका क्लच प्लेट चेंज किया था हमने। पैडल इसका प्रॉपर नहीं आ रहा था और गाड़ी पिकअप नहीं बनाती थी, तो इसके ऊपर वाले सिलेंडर में प्रॉब्लम था। और इसका जो नीचे वाला सिलेंडर है, ये स्लिप सिलेंडर है, इसमें भी प्रॉब्लम था। और इसका क्लच प्लेट सभी नया डाले थे और नया डालने के बाद भी इसका पैडल नहीं आ रहा था, जो क्लच का पैडल है। गाड़ी चलने में तो ठीक थी, लेकिन गियर स्टक होता था। तो ये हाइड्रोलिक में कई हमारे मैकेनिक भाई हैं, वो सोचते हैं कि सेटिंग नहीं होता है। अभी नॉर्मल जो केबल वाली गाड़ियाँ होती है, क्लच केबल वाली, उसमें सेटिंग होता है, और ये हाइड्रोलिक में सेटिंग नहीं होता है। तो उसमें ऊपर जो सिलेंडर होता है पेडल के पास, वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं आप। तो ये मैंने सेटिंग किया, आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया गाड़ी में मैं, और ये आप देख सकते हैं, ये हमने नया डाला था सिलेंडर, ये वाला। तो इसमें सेटिंग आता है फ्रेंड्स, इसके अंदर सेटिंग आता है। ये सेटिंग यहाँ से करना है इसका, जो नॉर्मल केबल वाली गाड़ियाँ होती है उसमें केबल एडजस्ट होता है, लेकिन ये हाइड्रोलिक क्लच सिलेंडर है, तो इसको यहाँ से सेटिंग करना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसकी सेटिंग के बारे में, तो ये जूना सिलेंडर है, शायद आपको गाड़ी में जो मैंने समझाया नहीं समझा हो। तो इसको, ये नट है ना, लूज़ करना है आपको, इसको लूज़ करना है और इसको दो दो आटा घुमाना है। ये इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे दो आटा ऐसा घुमाना है, ऐसे दो आटा, और इसका लॉक लगा के पैडल चेक करना है। पैडल इसमें लगता है, पैडल का लॉक आता है, ऐसा पैडल लगता है और उसमें लॉक आता है। तो ये इसको दो आटा ऐसा लूज़ करना है, ऐसा ये नट लूज़ कर देना पहले ऐसा, फिर इसको दो आटा ऐसा घुमाना है, इसको ये पकड़ के, और इसका लॉक लगाना है। लॉक लगा के और पैडल प्रेस कर करके चेक करना है, जहाँ पर आपका गियर प्रॉपर हो जाए समझ लो सेटिंग आ गया है। मतलब अगर क्लच बाइडिंग पॉइंट पे आ जाए, बाइडिंग पॉइंट मतलब वो होता है जहाँ पे क्लच एंगेज और डिसएंगेज होता है, उसको बाइडिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बाइडिंग पॉइंट पे अगर क्लच अपना आ गया है तो फिर ओके, गियर लगा के चेक कर लें आप गाड़ी स्टार्ट करके कि गियर प्रॉपर गिर रहा है, ये गाड़ी कितने पे उठ रही है, कितना क्लच छोड़ने पे। जैसे मतलब नॉर्मल केबल वाली गाड़ियों में होता है सेटिंग करने पे, क्लच केबल आता है, बस उसी तरीके से ये भी है, मुश्किल नहीं है। तो आप इसको इसी तरीके, ये नट लूज़ करके कर सकते हैं आप। तो इतना ही बताना था दोस्तों, शायद आपको गाड़ी के अंदर ना समझा हो, ये पूरी डिटेल में मैं आपको टेबल पे जूना सिलेंडर रख के इसकी सेटिंग बताया हूँ।